हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि हमारी आगे नई गाड़ी लॉर्ड ऑल्टो K10। आप सोच रहे हो मैं लॉर्ड क्यों कह रहा हूँ कि भाई लॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ झांफ जाती है ना पहाड़ों पर कच्चे पक्के रास्ते में बर्फ में, और वहाँ ये ऑल्टो K10 जो ना हंसते हंसते अपनी मंजिल पहुंच जाती है। इसलिए हम मिडिल क्लास फैमिली के तो पहली पसंद है ऑल्टो, क्योंकि भाई अपने बजट में भी आती है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो हमारे बजट में भी नहीं है, और कहीं बाहर लेकर भी जाओ तो वो हाफ भी जाती हैं। चाबी इसकी वही पुरानी वाली मिल रही है अभी तक, जो शुरू से मारुति में आ रही है, ये इन्होंने चेंज नहीं करी है। तो अंदर से ये कितनी प्यारी लगती है ना लुकिंग भाई, इतनी प्यारी गाड़ी है और इस रेट में, और इतनी प्यारी गाड़ी और इसकी जरा ये देखो कोई आवाज नहीं, इतनी एकदम स्मूथ एकदम आवाज है ना। अब कहीं घूमने जाएंगे तो अकेले जाएंगे नहीं, फैमिली साथ जाएंगे, तो पीछे भी इतना प्यारा स्पेस है कि आराम से पूरी फैमिली बैठ के ना कहीं भी जा सकती है। गाड़ी के अंदर चार आदमी क्या पाँच आदमी इसमें बड़े आराम से बैठेंगे, और कहीं भी टूर पे जाना है तो पांच आदमी तो, और पतले पतले आदमी तो साथ ही बैठ सकते हैं। आर यू कॉमेडी मी? इसमें बहुत स्पेस भी इतना है कि पूरी फैमिली घूमने जा रही है तो आराम से इतना स्पेस है कि दो तीन बैग भी आ जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी रखने में, और इतनी बढ़िया गाड़ी। और ये देखो यार लुक वाइज भी इतनी स्पोर्टी मॉडल है, मैंने ये लिखा भी है इसमें स्पोर्ट्स का। और हम मिडिल क्लास फैमिली की तो यार हमारा बजट भी कम ही होता है, और ये मेरे को 5,35,000 पड़ गया। VXi+ मॉडल है ये, और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी कराया है, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद कुछ श्रृंगार कराओ तो ना यार कुछ मज़े ही आ जाता है ना। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने स्पॉइलर लगाया है, ये इसमें लगा हुआ नहीं आता कंपनी के, स्पॉइलर लगाया है, ये लाइट की क्रोम गार्निश लगवाई है ये मैंने, और ये पीछे ये गार्निश है, ये गार्निश है, ये कुछ चीज़ें ऐसे लगे ना कि गाड़ी में एकदम लुक वाइज चेंज ही हो गया है। और ये देखो यार, ये मैंने इधर में इसको रेन गार्ड बोलते हैं कि बारिश का पानी अंदर ना जाए, और गाड़ी की इधर सोई बन जाते हैं, इधर ये लगवाया है। और मेरा के ऊपर ही देखो यार, ये मैंने कवर लगाया है, ये बिल्कुल इसके साथ ये कलर मैचिंग करते हैं ना, कितने एकदम चार चांद लगा रहा गाड़ी खूबसूरती के अंदर ना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से। तो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही ये वॉल्यूम का कंट्रोल दिया हुआ है, और इधर दिया है फोन का कंट्रोल, इसी से हम फोन को अटेंड कर सकते हैं। और जैसे ये तो सारा आजकल बेसिक चीजें हैं सभी गाड़ी में होता है, और इस गाड़ी में जो सबसे मुझे अलग लगा है ना, वो लगा है मुझे गाड़ी का स्पीडोमीटर। ये देखो ये गाड़ी में डिजिटल स्पीडोमीटर है, जब गाड़ी चलेगी तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड आ जाएगी, और अभी ये गाड़ी की रेंज दिखा रहे हैं, अभी गाड़ी चली तो है नहीं, जब गाड़ी चलेगी तो उसकी रेंज दिखा देगी कि गाड़ी कितनी चलनी है। तो गाइस ये आती जाती है गाड़ी की एवरेज। अरे वाह, इसको लॉर्ड ऑल्टो क्यों बोला जाता है, आप देख रहे हैं ना 22.2 की एवरेज आ रही, जो कि मैं गाड़ी चला कर लाया हूँ, तो इसीलिए तो इसको लॉर्ड ऑल्टो बोलते हैं ना यार, इतनी अच्छी एवरेज कोई दूसरी गाड़ी देती क्या। और चलो आगे देखते हैं। तो गाइज सबसे अलग चीज़ जो इस गाड़ी में आई ना, जो मारुति में अब तक नहीं आ रही, वो ये है कि 7 इंचज की इसमें टच स्क्रीन दी है, जिसमें कि ये वॉल्यूम कंट्रोल है इसमें, और इसके अंदर ये एंड्रॉइड ऑटो दिया हुआ है, जिससे कि ये हमारे फ़ोन पूरा इसी से कंट्रोल हो जाएगा। ये देखिए, और ये देखिए सारी ऐप खुल जाती हैं, और इवन यहाँ तक कि इससे हम अपना व्हाट्सअप भी चला सकते हैं। और हमें आगे जाना है तो इसमें हम नेविगेशन लगा देंगे, ये इसमें गाड़ी का अपना मैप जहाँ भी हमें जाना है वो सेट कर लेंगे, उससे हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल के ऊपर, तो जो कि अभी किसी मारुति गाड़ी में नहीं आता था, जो कि इसमें नया फीचर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। तो गाइज पावर विंडो के स्विच इसमें ही सामने दिए हुए हैं, बाकी सभी गाड़ियों में तो स्विच जो है साइड में दिए होते हैं, सिर्फ इसी के अंदर जो है सामने है, तो अभी तो हाथ साइड में ही जाएगा, कुछ दिनों के बाद आदत पड़ जाएगी सामने से कंट्रोल करने के लिए। और इस गाड़ी के अंदर ये सामने एसी के स्विच है, ये नीचे ये लाइटर है, ये चार्जर है फोन चार्ज करने के लिए, ये सामने दो ग्लास होल्डर है, और इधर ये सिलिक्स अपना गियर नोब है, और इधर है हैंड ब्रेक। तो गाइज अब गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, और पहले गाड़ी को हम पहले तो लगा लेते हैं भाई बेल्ट, गाड़ी चलाने से पहले बेल्ट जरूर लगा लेनी चाहिए। और गाड़ी को ये देखो यार, जरा भी गाड़ी को स्टार्ट करते कोई साउंड ही नहीं आई, इंजन की साउंड बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लग रही गाड़ी स्टार्ट भी है, कन्फ्यूजन में कभी कभी डबल सेल्फी लग जाते हैं। और गाड़ी को यार ओहो, नई गाड़ी को चलाती है तो अभी गाड़ी के एक्सीलेटर पंजा तो रखा ही नहीं है, और गाड़ी देखो यार क्या स्मूथ चल रही है एकदम। ये देखो गाइस कितना जबरदस्त मतलब पिकअप है इसका, हल्का सा पंजा मैंने लगाया और गाड़ी ऐसे भाग रही है। ये जैसी गाड़ी जो है ये, और यहाँ पर तो अभी ट्रैफिक है, मैं ज़्यादा एक्सीलेटर दे ही नहीं सकता, आगे जो स्पेस मिला तो मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ कि गाड़ी 80 पे जाते ही ना एकदम इसका स्पीडोमीटर
साउंड आने लगती है कि हमें पता लग जाता है कि गाड़ी हमारी 80 से ऊपर जा रही है और हम गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो गाड़ी चलाते चलाते कब ओवर स्पीड हो जाती है पता ही नहीं लगता। ये इसमें नया फंक्शन है गाइस, गियर शिफ्ट करते हुए ना इतना स्मूथ इसमें से गियर शिफ्ट हो रहा, कहीं अटक ही नहीं रहा। तो गाइस जैसे कि इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन है तो वो इतना स्मूथ है ना, 4 सिलेंडर तो होते हैं लेकिन 3 सिलेंडर भी इतना पावरफुल है। और अभी चलते हैं, थोड़ा गाड़ी चलाकर देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही मैं आपको आगे बताता हूँ। 1 hour later तो गाइस गाड़ी तो जैसे खूबसूरत है लेकिन इसकी खूबसूरती को ना इसके एक्सेसरी 4 चांद लगाती है। और मैंने इसके लिए ना जैसे स्टीरियो के अंदर ये साइड में आप देख रहे हैं ये पैनल मैंने अलग से लगवाया है, ये मैंने एकदम ऑरेंज थीम में लिया है। इधर ये पैनल हो गया, इधर ये डोर के अंदर ये हो गया, एकदम कार्बन का एकदम जैसे कहते हैं कार्बन ब्लैक उसकी एकदम लुक देता है। और इधर ऐसे गियर नॉब के पास भी इधर भी दिया है और ऐसे ही मैंने इसमें साइड में दिया, ये देखिए एसी के इसमें ना साइड में ये मैंने दिया है, तो इसकी खूबसूरती और ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसी तरह से मैंने बाहर जैसे आपको दिखाया ना कि रेन गार्ड के ऊपर और आगे जो ग्रिल के नीचे ये सब जो है मैंने इससे एकदम मैच करते हुए जो लगवाया ना यार, तो गाड़ी में मजा आया। तो ये देखिए सीट कवर, इतने प्यारे सीट कवर लगे हैं ये। तो गाइस ये देखिए सीट कवर कंपनी देती है वो भी शानदार है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लगवाया, इतने कम्फर्ट है और गाड़ी चलाने में भी मजा आता है। जो साथ में बैठी है सवारी जो भी आपके साथ में फैमिली मेंबर उनको भी मजा आता है, कितनी दूर चले जाए इतनी कंफर्ट रहती है। तो गाइस मैं आपको लेग स्पेस भी दिखाता हूँ, यहाँ पे का जो इसमें सीट को है ना आगे पीछे हम ये एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अगर मेरे से कोई लंबा है तो पीछे भी कर सकते हैं, वैसे मेरे तो मेरी हाइट जो है 5'7" है और ये आगे करके आराम से कितना अच्छा स्पेस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग इसमें फिक्स है, स्टीयरिंग इसमें हम ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं कर सकते, इन गाड़ियों में ये सिस्टम नहीं है, बस ये थोड़ा सा लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्ट है, सीट को जहाँ चाहे आप एडजस्ट करते हैं, लेग स्पेस काफ़ी है और ऐसे ही पीछे भी बैठने वालों को लेग स्पेस पूरा मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी हो लॉर्ड आल्टो तो यार फिर क्या बात है, 5, 7 के 8 भी बैठ जाए ना तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होते हैं, कहते ना गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, जगह तो दिल में होनी चाहिए यार। और हाँ इसमें ना रिवर्स के लिए 2 सेंसर भी हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो गाइस देखा आपने जैसे ही गाड़ी पीछे दीवार के पास गई तो इसने एकदम बीप कर दिया और मुझे पता लग गया कि पीछे दीवार है और मैंने गाड़ी यहाँ पर ही पार कर दी है। बस इसमें ना एक कैमरे की कमी है, अगर कैमरा होता ना तो मुझे पीछे नहीं देखना पड़ता और मैं कैमरे में देख के ही आराम से गाड़ी पार कर लेता। तो गाइस गाड़ी का बोनट जो है वो यहाँ से खुलता है, कुछ यहाँ से गाड़ी का ये तरह से गाड़ी का बोनट खुलता है और ये गाड़ी का इंजन इतना स्मूथ, इतना बढ़िया गाड़ी का इंजन दिया है ना इसके अंदर, 998 cc का इसमें इंजन है, 1 liter 3 cylinder 66 horsepower इसकी पावर है। और जब चलती है ना गाड़ी तो यार पता ही लगता कि बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां भी एकदम आराम से, जहाँ दूसरी गाड़ियां थक जाती हैं पहाड़ों पर जाते हुए बर्फ में जाते हुए ना, ये गाड़ी हंसते हंसते अपनी मंजिल पहुंचा देती है, इसीलिए हंसते हंसते ना लॉर्ड आल्टो बोला जाता है, लॉर्ड आल्टो K10, कोई गाड़ी आल्टो K10 नहीं है, लॉर्ड आल्टो K10, आप भी क्या बोलेंगे, लॉर्ड आल्टो K10। तो गाइस जैसे हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो कार एक सपना होता है और कार हम बार बार तो लेते नहीं है, और अगर जो आपको कार लेनी है तो आप निसंदेह ना आँख बंद करके लॉर्ड आल्टो को बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसको लेने में कोई परेशानी नहीं है। और अगर जो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।